रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक। एक 3 साल के लड़के की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खीरो थाना क्षेत्र के रायपुर का रहने वाला है कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब एक्टिव केस हुए हैं 22, जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर लगाए नारे, साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ इलाहाबाद नेशनल हाईवे पर बना गड्ढा दे रहा है हादसों को दावत, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। एनएच के अधिकारी बैठे हैं मौन। हरचंदपुर थाना क्षेत्र स्थित स्पाइस पार्क दतौली के पास हाईवे किनारे धसी सड़क। गंगा तट पर मिला अज्ञात युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। लालगंज थाना क्षेत्र के कटरा जनेवा गंगा तट की घटना। संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिनों से लापता वृद्ध का शव मिला, शव मिलने से मचा हड़कंप। एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे की है घटना। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।